everyone, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दर्शी देसाई, आई एम वर्किंग इन 21st सेंचुरी हॉस्पिटल्स और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस. अगर आपको कोई भी बॉडी में समस्या होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ लो बैक पेन और इफ यू हैव एनी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन और इफ यू हैव एनी कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डायबिटीज, तो डायबिटीज आपको होता है उसके साथ साथ आप दवाई तो लेते ही हो, लेकिन डॉक्टर आपको ये भी बोलते हैं कि आपको दवाई के साथ साथ क्या चेंजेस करने चाहिए अपने डाइट में, आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. सो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक सिंगल फील्ड नहीं है जहाँ पे सिर्फ लो बैक पेन है, नेक पेन है, लेग पेन है, ये सारे ट्रीटमेंट्स हम करते हैं. बट जो हमारे बॉडी में समस्या होती है उसके बाद की जो रिहैबिलिटेशन होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसमें भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. सो आज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि फ्रोजन शोल्डर ऐसी एक कंडीशन है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. सो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? सो जैसे कि आपने देखा कि शोल्डर में जहाँ पे आप सारी मूवमेंट्स कर सकते हो अपने शोल्डर में, यू कैन डू 180 डिग्री, आप हाथ ऊपर कर सकते हो फॉरवर्ड से, आप साइड से हाथ आराम से ऊपर कर सकते हो. लेकिन जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स होते हैं वो ये मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं. ओके, तो उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है. और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ही क्यों पाया जाता है? सो बेसिकली डायबिटीज़ में हमारा शुगर लेवल्स जो होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं ब्लड में. सो जो एक कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो हमारे मसल्स हैं, लिगमेंट्स हैं, ये सारे कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो आपके मसल्स और लिगमेंट्स में पाए जाते हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन द शुगर लेवल्स ये सारी चीज़ें जो होती है वो थोड़ी सी जकड़ जाती है. सो जब आप नॉर्मल मूवमेंट करते हो तो आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि आपके कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो जकड़ जाते हैं. सो वो ये मूवमेंट को हिंडर करते हैं. सो व्हाट हैपेंस, ज़्यादा आप उसको ट्राई करो वो मूवमेंट करने की, आप डेली एक्टिविटीज़ में आपको अगर आपके बाल बनाने हैं, अगर आपको बाथिंग के बाद रब करना है पार्ट, अगर आपको कपड़े पहनने हैं पीछे से, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो. सो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है आपके शोल्डर जॉइंट में. और ये चीज़ अगर आप टाइम पे एक फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं बताते हो तो आप डेली एक्टिविटीज़ में आपकी शोल्डर की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. सो दिस इज़ बेसिकली अ शॉर्ट एग्जाम्पल कि आप कैसे, आपको अगर डायबिटीज़ हुआ है तो आपका आपके जॉइंट में आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है और आपको इसमें फिजियोथेरेपी कंपल्सरी लेना पड़ेगा. थैंक यू.